गुड आफ्टरनून सभी को। एक छोटा सा मैसेज आप सबको। कल 1 बजे यहाँ हमारा जितना भी स्टेट में जो कैपिटल में है, तो जलाइट मैंडल वाला और सोशल एक्टिव फिर लो है, और जितना भी एसोसिएशन चेयरमैन सेक्रेटरी है वो आप सकने से आप लोग कल हम लोग छोटा सा एक मीटिंग बैठेगा कि आप लोग को सर्कुलर नहीं दे पाए क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो गया। ये मीटिंग जो ऐसा है कि आप लोग इसको आप लोग जानना चाहिए कि हमारा जो दिसी तलोपुतम जो कर रहा है और छोटा छोटा बात पर जो सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी जो समाज का अच्छाई के हित को जो बोलता है उसको अपू अपा कंटिन्यूस जो लगा रहा है, तो उसका बाद में कुछ हम लोग डिस्कस करना है। जो हमारा अभी तिची पुड़ुंग और जो तदक नालोजी है उस जो दोनों को अभी पता नहीं कौन सा जेल में रखा है, उसको हम लोग कल डिस्कस करना है। और जितना भी लोग हैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता है कि कल हम लोग वहाँ में ये क्या बोलता है वो हलोंगी तो इटानगर का बीच में कोई भी दबा या रेस्टोरेंट में कोई भी कल हम लोग मीटिंग बैठेगा, क्योंकि हम लोग के पास आगे मीटिंग बैठने के लिए बड़ा बड़ा होटल बुकिंग करने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोग सोचा है कि वहाँ में कल कोई भी रेस्टोरेंट वहाँ में दबा में कल हम लोग कोई भी ये लॉज में कहीं भी बात कर लेगा, लेकिन बीच जो हलोंगी तो इटानगर के बीच में होगा। और आप सबको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आइए, जितना लाइट मैंडेट जो सोशल एक्टिविस्ट है जो जूनियन पर्सन है आइए। हम आगे मेरा टीम को हम कॉल करके फ़ोन करके हम बात किए, हम थोड़ा अरुणाचल से थोड़ा बाहर में था तो हम कॉल करके बात किया कि क्या करना नहीं करना है। तो वो लोग बोला कि आप एक मैसेज छोड़ देना है, तो हम आप सबको मैसेज छोड़ रहे हैं। तो मेरा पास समय नहीं है कि हम लोग के पास आप लोग को सबको लेटर पहुंचाने के लिए और मीडिया में आने के लिए। आप सब इस चीज़ को आप लोग भी याद रखिए कि ये अपू अपा जो हमेशा लग रहा है कि ये सब गरीब लोग को ही लग रहा है, और जो जो स्टेट का अच्छाई के लिए करे फ्यूचर के लिए जो करे उसको ही लग रहा है। क्यों कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है कल हम लोग डिस्कस करेगा। आप सभी को मेरा अपील है कि आप लोग कल आ जाना है। और दूसरी बात, और हमारा नारी शक्ति टीम है और वो परसों दिन ये जो मणिपुर का हादसा के लिए वो कैंडल मार्च कर रहे बोले, तो आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि परसों भी आ जाना है। आप लोग शाम का 6 बजे है आकाशदीप टू टेनिस कोर्ट तक। तो आप लोग पता है कि नारी शक्ति टीम का पास कोई फंड नहीं है, कोई कुछ पैसा वैसा इनकम नहीं है। वो बस अपना फिजिकली अपना खाने पीने के लिए और जितना पैसा होता है उसको भी आप लोग के लिए डाल देता है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना अपना परसों बैनर बना के वहाँ आ जाइए और कैंडल अपना अपना से लेके आइए, क्योंकि अगर नारी शक्ति के पास आप लोग पता है कि पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सबको मेरा तरफ से आप रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सब आ जाइए, हमें दुख के साथ में भी एक साथ होना है, सुख के साथ में भी एक साथ होना है। तो आप सबको मेरा ये 2 पॉइंट को रिक्वेस्ट है, आप लोग सब आना है। और कल सही हम लोग फिर मीडिया में भी आएगा, और हो सकेगा तो इसको शेयर कर देना कि जो जो हमारा तिचीपुर और दादक नालों को अभी अपू अपा फिर लगा के रखा है, ये बहुत गलत है कि ये छोटा छोटा बात पर। कल एग्जैक्टली हमको पता नहीं था कल सोशल सर्विस हो रहा है ना क्या हो रहा है पता नहीं था, लेकिन सोशल सर्विस कर रहा है बोलता है वो। कल जिस हिसाब का स्टेटमेंट को देखा है तो वो लोग लैंड ऑक्यूपाइड कर रहा है बोला है, तो लैंड ऑक्यूपाइड तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब भी करके रखा होगा या नहीं रखा होगा पता नहीं, लेकिन उसका फैमिली भी लैंड ऑक्यूपाइड तो क्या होगा। तो हम लोग इसको ढूंढना है कि लाइन ऑक्यूपाइड जो जो किया है उसको पूरा को ओपो ओपो लगाना है, इसको हम लोग जानना चाहिए। तो जो तिचीपुर और तदक नालों वो थोड़ी अपना लिए अपना फैमिली बैठने के लिए अपना लिए नहीं किया है, वो दोनों मेरा ख्याल से ऐसा लगा कि ग्यामर पादंग के लिए ही किया है, तो ग्यामर पादंग का स्टेच्यू बनाने के लिए ही किया है। तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि कल आ जाना है, हम लोग डिस्कस करना है आगे क्या करना है। तो सब हम अकेला बोलते रहने से भी नहीं होगा, सारा पब्लिक एक साथ मिलकर हम लोग लड़ना है, करप्शन के आगे लड़ना है। और इस जो तानाशाही सरकार, इस जो जो हिगलर जो जैसे रूल चला था उस सरकार, जो किम जोंग जैसे रूल चला था उस सरकार का जो चला रहा है, इसके खिलाफ हम लोग पब्लिक एक्शन लड़ना है। लेकिन हम अभी तो ये पता नहीं चल रहा है कि किस लिए अपू अपा लगा, क्यों लगा उसको पता नहीं चल। कल हम लोग जाके कल डिस्कस करके उसके बाद हम लोग क्या करना नहीं करना, आगे कैसा लड़ना है, रणनीति बनाना है। अब सबसे मेरे अपील छोटा था, इसको आप लोग प्लीज़ फॉलो शेयर कर देना। दिल से थैंक यू।